अस्सलाम वालेकुम खवातीन औज़ार। सो कैसे हैं आप सब? आज सबसे पहले तो दो क्वेश्चन के मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछते हैं, मुझसे कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं और कुछ मेरे दोस्त हैं कि भाई आप लोग क्यों बनाते हो। सबसे पहली बात तो ब्रो मुझे अच्छा लगता है, और दूसरी बात कि लोग पूछते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी दिखाने का ज़्यादा शौक़ है ना? भाई ना, ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ को शेयर करने का बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं है। मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का कोई शौक़ नहीं है। बस जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ना, उसे मैं एक अच्छी स्टोरी बना के दिखाता हूँ, दैट्स इट। बस तो ये सीन है। जब मैं छोटा था, जब मैं एक दो साल पहले यूट्यूबर्स को देखता था, ये ब्लॉग बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कितना मतलब के लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, सही है, और सभी काम हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा शौक था यार मैं भी ना ब्लॉग बनाऊँ। सो आज वो टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग बना रहे हैं, तो बस यही है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और बस इन्जॉय। आज यार एक ना इन्विटेशन आई है ख़दम शरीफ की, वहाँ चलते हैं जैन शरीफ को साथ लेकर, वहाँ जाके खाना तनावल फरमाएंगे। जैन से पूछ लेते हैं कि वो फ्री भी है कि नहीं, वैसे वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, क्या चाल है, किधर हो? दूसरी बात ये कि यार मैं आ रहा हूँ आपके घर, ज़रा जल्दी से भाई निकलो, ओके, टाइम नहीं है। हमारे घर के करीब में एक पार्क है, तो देखते हैं कि क्या इधर एक्टिविटी हो रही है, क्या कर रहे हैं बच्चे। फिलहाल तो बूढ़े बाबा जी ताश खेल रहे हैं। बाबे नॉट कमिंग स्लो भाई। बच्चों को ये ना ये लग गया ना शतूत उतार के दे, ये लो। देखो ये वाला यार, ये जाना पका होगा, ये मैं देता हूँ उतार के, ये लो ये लो। वो चाचू नहीं है भाई, ये लो ये छोटा डॉन। ओए बस कर दे, तोड़ना भी रख दो, तू ज्यादा खाने को ये देखो, ये खाएंगे अब हम, ये लो एक आप ले लो, एक लेना, एक खाएंगे हम। हमको बहुत शौक है ब्लॉग बनाने का, ये वोट तो रहे हैं मैंने, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। खट्टे मीठे हैं।
सरूर सिंह जी आगे कहते हैं कि इंसान को हर दिन 1% ग्रो करना चाहिए। एक वर्ड है जो मुझे बहुत देर से नहीं आ रहा, जिसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही मुझसे सही तरह से, वो वर्ड है लिटरली। इसका मतलब है एक्चुअली कि प्रोनाउंसिएशन है लिटरली। आए ये नहीं हो पा रहा यार, लिटरली हाँ लिटरली ये नहीं हो पाएगा मुझे यार। Literally. I feel blessed. Literally. Ah.